शुरू करवा देते हैं। आपको बताएं बड़ी जानकारी, आईएएस अशोक खेमका ने गेहूं को लेकर ट्वीट किया है। गेहूं का निर्यात बंद करने पर खेमका ने सवाल उठाया है। निर्यात प्रतिबंधित करने से गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी, जो ट्वीट किया गया है उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घरेलू उपभोक्ता को लाभ लेकिन किसानों को हानि होगी। सरकारी खरीद पर किसानों को बोनस देना क्या उचित नहीं है? आईएएस अशोक खेमका ने गेहूं को लेकर ट्वीट किया है। गेहूं का निर्यात बंद करने पर खेमका ने सवाल उठाया है। निर्यात प्रतिबंधित करने से गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी। घरेलू उपभोक्ता को लाभ लेकिन किसानों को हानि होगी। सरकारी खरीद पर किसानों को बोनस देना क्या उचित नहीं है? आईएएस अशोक खेमका ने गेहूं को लेकर ट्वीट किया है। गेहूं का निर्यात बंद करने पर खेमका ने सवाल उठाया है। निर्यात प्रतिबंधित करने से गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी। घरेलू उपभोक्ता को लाभ लेकिन किसानों को हानि होगी। सरकारी खरीद पर किसानों को बोनस देना क्या उचित नहीं है? तो गेहूं को लेकर ट्वीट किया गया है। आईएएस अशोक खेमका ने गेहूं को लेकर ट्वीट किया है। गेहूं का निर्यात बंद करने पर खेमका ने बड़ा सवाल उठाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से सीधा लाइव। सुशील, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आईएएस अशोक खेमका ने जो ट्वीट किया है, क्या लग रहा है आपको? गेहूं को लेकर जो ट्वीट किया गया है, कितना सही लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं अशोक खेमका एक बार फिर किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। जो किसान लगातार मांग कर रहे थे कि उनके गेहूं पे बोनस बढ़ाया जाए, यानी 500 रुपए प्रति क्विंटल की जो डिमांड कर रहे थे, उसके साथ वो खड़े दिख रहे हैं। और G7 ने, किसानों का ग्रुप है G7, उन्होंने जिस तरह से मोदी के उस बयान पर आपत्ति जताई थी और जिस तरह से निर्यात रोका गया था उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और जो ट्वीट के माध्यम से इन्होंने दर्शाया है, उसे साफ कहा है कि अगर सरकार किसानों को गेहूं पर बोनस देगी और जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की डिमांड बढ़ी है और 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्यात हो रहे थे गेहूं, तो ऐसे में सरकार को एक एक दाना किसानों से लेकर बोनस के हिसाब से पैसे देने चाहिए थे और खरीद कर निर्यात करने चाहिए था। उससे न केवल किसानों को लाभ होता बल्कि सरकार को भी इससे कहीं ना कहीं मुनाफा होता। लेकिन गेहूं का निर्यात रोककर सरकार का जो फैसला है उस पर सरकार को जरूर समीक्षा करना चाहिए और गेहूं के निर्यात के लिए किसानों को बोनस देकर ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीद करनी चाहिए। जी सुशील, ऐसे में अशोक खेमका ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि इससे जो घरेलू उपभोक्ता है उसको तो लाभ होगा लेकिन किसानों को हानि होगी। नहीं देखिए, किसानों की हानि, किसानों को हानि इस दिशा में है कि वो किसान उसी रेट पे 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से MSP है और उसी पे हरियाणा में गेहूं की खरीद हो रही है, तो उन्हें साफ तौर पे उस ट्वीट के माध्यम से जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि वो नुकसान इसलिए है कि अगर सरकार निर्यात करती तो ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदने की आवश्यकता पड़ती और उस आवश्यकता के मद्देनजर किसानों को भी ज्यादा लाभ मिलते। अभी निर्यात रोकने से किसानों को हानि इसलिए भी है कि किसान जो थर्ड प्लेयर को बेचते थे, जो महंगे रेट्स पे बेचते थे, 2200 से 2400 रुपए तक प्रति क्विंटल के हिसाब से जो रेट हो गया था, तो निश्चित तौर पे वो किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो रहा है। प्रति क्विंटल 200 से 400 रुपए का नुकसान अभी हो रहा है। और घरेलू उपभोक्ता, चूंकि जिनको 80% ऐसी आबादी है भारत की जहाँ फ्री में राशन दिया जाता है, गेहूं दी जाती है, तो निश्चित तौर पर निर्यात नहीं होने से वो घरेलू उपभोक्ता जिनको उस रेट पे गेहूं मिलते थे उनको तो बेनिफिट होगा, उनको तो फायदा इसलिए नजर आ रहा है कि उनको सेम रेट्स पे वही चीज उपलब्धता हो रही है। लेकिन इसका निर्यात किया जाए तो न केवल किसानों को भी मुनाफा होता बल्कि सरकार को भी मुनाफा होता। जी ठीक है, आपने जिक्र किया कि यहाँ किसानों को भी मुनाफा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर निर्यात किया जा रहा है तो किसानों को किस तरह से यहाँ पर फायदा होगा?
देखिए बिल्कुल साधना, किसानों को अगर निर्यात को बढ़ावा दिया जाता तो जो थर्ड प्लेयर हैं, सरकार का जो रेट है, हरियाणा सरकार का मैं स्पेशली जिक्र कर रहा हूँ, 2015 का रेट है, और निश्चित तौर पे जो थर्ड प्लेयर हैं, निजी प्लेयर हैं, जो निजी कंपनियां खरीदती थी किसानों से गेहूं, वो 2200 से 2400 के रेट तक खरीदी गई किसानों से गेहूं, और वो निर्यात करते थे। अब जब निर्यात पर प्रतिबंध लगा है तो निश्चित तौर पे वे लोग गेहूं नहीं खरीदेंगे, क्योंकि निर्यात हो नहीं सकता, तो लेके उसका भंडारण उन्हें करना पड़ेगा, तो ऐसे में उन्हें नुकसान होगा। तो इस पूरी मार्केट व्यवस्था से, खरीद से, गेहूं की खरीद से थर्ड प्लेयर कहीं ना कहीं आउट है। ऐसे में किसानों को इसलिए नुकसान हो रहा है कि उन्हें अपनी अपना फसल उन्हीं रेट पर बेचना होगा जो सरकार ने मानक तय किए थे। उसके बाद भी सरकार ने पहले बंद कर दिया था इसकी खरीदारी गेहूं की, और कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने भंडारण कर रखा था गेहूं का, उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह से विदेशों में डिमांड है गेहूं की और वो निर्यात भारत से हो रहा है, तो जो निजी प्लेयर हैं वो ज्यादा से ज्यादा महंगे रेट्स में खरीदेंगे, और किसानों को कुछ दिन ही गेहूं रखने की आवश्यकता थी, उसके बाद वो अच्छे रेट्स में उनकी गेहूं भी बिकते और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता। लेकिन अब जब निर्यात बंद है तो थर्ड प्लेयर नहीं खरीदेंगे, तो सरकार उन्हीं रेट पे खरीदेगी और कहीं ना कहीं किसान को इससे नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को बिल्कुल नुकसान है। बहुत शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी देने के लिए।